सो गाइस देख रहे हो, खाने का टाइम हो गया, टिफिन लेके आ रहा है मेरे पास, ये देखो। हाँ हाँ रुक जा, दे रहा हूँ। अरे दे रहा हूँ भाई, खाना दे रहा हूँ। इधर आ, इधर आ। कम 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 कम, देखो अभी इधर आ जाएगा। एक मिनट बेटा, अभी खा लिया टिफिन, अभी तो तू पागल बना पड़ा है। होल्ड होल्ड, नो नो नो, देखो टिफिन उठा रहा है। अबे मेरे भाई, तू टिफिन क्यों उठा रहा है? एक सेकंड रुक जा। अरे रुक जा मेरे भाई, रुक जा। ये देखो, रुक जा, एक सेकंड ला रहा हूँ, खाना ला रहा हूँ। देखो मेरे पीछे आएगा अभी। अरे ला रहा हूँ भाई, आज इसको भाई पेडिग्री भी ला के दिए। तो गाइस आज इसके खाने में हमने पेडिग्री भी ला के दिए। देखो ये पेडिग्री खाता है या नहीं खाता है, खा ले तो अच्छी बात है, नहीं खाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि अभी पेडिग्री खाएगा नहीं। खा ले भाई पेडिग्री, खा ले, अभी थोड़ा सा और है। हाँ खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है। गुड गुड गुड, कोशिश तो कर रहा है खाने की। खा लिया शायद, इन टोटल पाँच थे, खा रहा है मतलब पेडिग्री खा रहा है। खा ले भाई, खा ले, इसे भी खाओ, दो और बचे हैं, इसे भी खाओ, इसे भी खाओ, इसे भी खाओ, दो और बचे हैं। गुड गुड भाई, मैंने इसमें पानी डाल दिया। आप देखो ये पानी पीते, पानी लेता नहीं लेता। देखो ये देखो मुंह डाला, अरे ये देखो अब क्या करेगा, हटा लिया। बहुत तेज हो रहे हो, छोटे बच्चे हो ना तुम। थोड़ा नॉर्मल खाना दे रहा हूँ, जितना मतलब मैंने वीडियोस वगैरह में देखी है, अभी सर्च वगैरह करके जैसे बोला गया है उसमें, वैसे खाना दे रहा हूँ। जो सेरेलैक है उसे थोड़ा गाढ़ा बना के दे रहा हूँ बस, ये थोड़ा अच्छे से दे रहा हूँ। ये थोड़ा कमजोर सा भी है, इसे थोड़ा हेल्दी भी बनाना है, बट यही है यार, हमें इसे संभालना नहीं आता अच्छे से। बस पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से संभाल ले और ये हमसे अच्छे से समझ जाए, क्योंकि इससे पहले कभी डॉग पाला नहीं है तो इतने अच्छे से नॉलेज नहीं है ना। जिसको नॉलेज नहीं होती उसको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है अभी, बट कोई नहीं, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। हाँ भाई, हाँ भाई, खाना खा लिया, तैथा था खाना, बस हो गया। बस तेरा लाइटिंग का टाइम बता दियो, तू लाइटिंग कब करेगा? तो अंदर ले जाके तुझे लाइटिंग करवाऊंगा। खेल खेल इससे, खेल, देखो इससे खेलेगा थोड़ा देर, मैं हाथ लगाऊंगा जब ही खेलेगा। देख रहे हो कॉपनिट के रूम के जस्ट बाहर यहाँ आके लेटा हुआ है। बताओ यहाँ पे आके लेटने की इसकी वजह क्या है? क्योंकि यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आ रही है इसके गेट से नीचे से। हाँ ठंडी ठंडी हवा आ रही है, इस वजह से यहाँ पे आके लेटा हुआ है। तो यहीं पे खेलेगा ये, क्योंकि एसी की हवा आ रही है ना नीचे से। जानबूझ के इसको एसी के अंदर नहीं लेके जाते, क्योंकि देखो एसी हमारे घर में पूरे दिन नहीं चलता, यही कुछ एक दो घंटे चलता है जब कॉपनिट स्ट्रीम करता है। अगर इसको एसी की आदत लग गई ना तो इसको तबीयत खराब होने लग जाएगा। इस वजह से हम इसके लिए कूलर लेके आए हैं कि कूलर ऑन कर दे, कूलर के अंदर बैठेगा तो वहाँ पे आराम से लेट जाएगा। ये देखो लेट गया ना, बस इसका पॉटी करने का टाइम हो गया है, थोड़ी देर में बस ये पॉटी करने वाला है। बस मैं इसका उसका इंतजार कर रहा हूँ कि ये पॉटी कब करेगा। जब ये रसोई की तरफ जाता है ना, जब मुझे लगता है कि अभी पॉटी करेगा, जैसे इधर जाता है तो मैं अलर्ट हो जाता हूँ कि हाँ इसे उठा के लाइटिंग के पास लेके जाना है और इसको पोटी करवाना है। अभी केमिस्ट से ये वाला स्प्रे लेके आए, इसकी पूरी बॉडी में मार के और कपड़े से साफ कर देना है, क्योंकि यार रोज रोज इसे साफ भी करना है, थोड़ा गंदा वंदा हो जाता है, खेलता रहता है इधर उधर, तो इसको साफ भी करना पड़ता है। इस वजह से थोड़ा ये स्प्रे लेके आए, अभी तो नहीं कर रहे, सुबह सुबह उठ के साफ करेंगे। अभी फिलहाल खेल लेगा, जितना खेल लेने दो, अभी जितना गंदा होना इसको हो जाएगा और सुबह इसको हम साफ कर देंगे। हवा इधर आ रही है पर लेटा उधर जाके। सो आज का खाना भी मैंने नहीं बनाया, आज का खाना हो सकता था बाहर से लेके आऊँगा, बाहर से कुछ सब्जी वब्जी ले आऊंगा, रोटी दीदी के घर से ले आऊंगा रोटी। इसको फर्स्ट टाइम पेडिग्री दी है, जिन्होंने कुत्ता दिया था उन्होंने बोला था जब तुम्हारा सेरेलैक खाने लग जाए ना पूरा पूरा, तो उसमें थोड़ा बहुत पेडिग्री मिला के दे देना, इसलिए जैसे ही थोड़ी देर सो जाएगा ना वैसे ही मैं बाहर का काम करके आ जाऊंगा। बाहर रोटी भी लेने जाना है, सब्जी भी लेने जाना है। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो इसे देखो ये देखो, मेरी टी शर्टों को खा रहा है पागल। मुँह में क्या लगा रखा है? इसे देखो इसे देखो ये देखो, अरे हाँ ऐसे ले जा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके संग अगर तुम्हें खेलना है ना पूरा दिन, खेलते रहो, ये पूरा दिन खेल लेगा, पूरा दिन पूरा दिन। अब जाके थक गए तो अब लेट गए, अब खेलो ना मेरे साथ, नहीं तू थक जाए तो तू लेट जाए, हम थक जाए तो हम क्या करें भाई, हम पे कोई काम धंधा नहीं है क्या? ये देखो अब भाई, ये इसे भी पता है, इसे भी पता है ब्लॉग बन रहा है, ये देखो इसे इसे पता है मैं वीडियो बना रहा हूँ, और हरकतें कर रहा है। इसका वैक्सीनेशन भी करवाना है कुछ दिन बाद जाके। सो जा तू, आराम से सो जा, प्यारी सी नींद ले ले प्यारी सी, मैं आया बस 10-15 मिनट में, 10-15 मिनट तक ना ऐसे सोया रही हो ठीक। बहुत इनसे बातें भी करो ना तो ये समझते हैं फिर हमको, तो मैं कोशिश करता हूँ जितना से जितना अपने मन की बात होती है इससे करता हूँ, और इससे बातें करता रहूँगा ना करता रहूँगा फिर मुझे समझने लगेगा तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। और खैर अभी मम्मी आ जाएगी ना, और मैं तुम्हें बता रहा था वो अच्छी बात क्या है कि मम्मी की टिकट हो गई, कल मम्मी ट्रेन में बैठ जाएगी और परसों तक सुबह सुबह मम्मी आ जाएगी, फिर उसके बाद मम्मी ज़्यादा ध्यान रखेगी इसका, और देखते हैं मम्मी का फर्स्ट रिएक्शन कैसा होता है।
इसको देखने के बाद मम्मी यहाँ मस्त कूलर चल रहा है, वहाँ वो मस्त लेटा हुआ है। ठीक है देखे तो रात के बज रहे हैं 2, मैं खाना वाना खा के बस लेटा ही हुआ था, और ये भाई को अभी खेलना है रात के 2 बजे, ये हमारा सोने का टाइम है इनका। ये भैया सो के उठ गए हैं, अब इनको दोबारा खेलना है। अरे बस नहीं काटना नहीं, ये मुझे काटता रहता है यार, इसको सबसे ज़्यादा मैं प्यार करता हूँ फिर भी मुझे काटता रहता है, क्यों? अब देखो बेड के अंदर घुस गया जाके, रात के 2:15 हो चुके हैं रात के, अब देखो दोबारा सो गया अपना जाके। सो जा मुझे भी सोने दे। ठीक चलो फिर मैं भी सोता हूँ, देखता हूँ अब कितनी देर में जगेगा, अगर मेरी आँख गंदी वाली लग गई तो लाइटिंग वाइटिंग घर में ही कर देगा, मुझे साफ करना पड़ेगा। और तुम क्यों मेरी आँख खुल गई, तो इसे बाहर ले आऊँगा और फिर इसे बाहर ले आऊँगा और इसे लाइटिंग वाइटिंग करवा दूँगा। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, जैसे कि बता दो अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और इसे देख सकते हो तुम, ये जग चुका है और मैंने पोटी भी कर ली है और मैंने इसकी पोटी साफ भी कर दी है। बाहर का माहौल दिखाता हूँ, गली बिल्कुल अभी सुनसान है, अभी बिल्कुल भी चहल पहल नहीं है, 6 बजे भी कोई नहीं उठा, बस एक लास्ट एक कुत्ता उठ रखा है और एक कुत्ता ही ये उठ रखा है, हमारे घर में ये बच्चा उठ रखा है। जब तक 15-20 दिन ना हो जाए जब तक मुझे नहीं लग रहा कि मेरी नींद अच्छी होने वाली है, जैसे मैं लाइट बंद करूँगा ना वैसे ये भी आगे पीछे पीछे सो जाएगा, तो ये भी आके अपना यहाँ पे आके सो गया। अब जाके मैं उठाऊँ और ये भाई साहब देखो आराम से खेल ले, मेरी रात खराब कर दी की वजह से मैं पूरी रात जगा हूँ, 1 घंटा सोता हूँ फिर उठ जाता हूँ फिर उसके संग खेलने लग जाता हूँ, उसकी पोटी वगैरह साफ करता हूँ और फिर सो जाता हूँ, ऐसे कर करके मैं रात में सोया हूँ। अब जाके यही कुछ 11:30 हो रहे हैं, अब जाके मैं उठाऊँ और आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया होगा, मिलते हैं इसी तरह एक नए ब्लॉग में। ओके बाय बाय, लव यू, टाटा।